अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और खास तौर पर सेडान गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूं ऐसे टॉप 5 रीजन जिसमें आपको पता चलेगा कि फोर्ड एस्पायर जो है न्यूली लॉन्च डिजायर से किस तरह बेहतर है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं कोई लुक्स के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा दोनों गाड़ियों का, क्योंकि मैं पहले के वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं दोनों गाड़ियों की लुक काफी बेहतरीन दिखती है दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप पूरा रिव्यू उन दोनों गाड़ियों का देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज फ्री एडवाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रीजन से, जिसमें शुरू से ही लोगों को काफ़ी शिकायत रही है, वो है बिल्ड क्वालिटी। हालांकि अब तो डिज़ायर का लगभग वेट जो है 100 केजी कम कर दिया गया है, तो मैं देख रहा था कि बिल्ड क्वालिटी से कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये दब रहा है। तो कम से कम इस तरह की बिल्ड क्वालिटी की उम्मीद नहीं है लोगों को मारुति से। इसके अपोजिट फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी, बोनट में भी काफ़ी वेट था, और जब मैं इस बाहर की चद्दर को दबाने की कोशिश कर रहा था तो ये आसानी से नहीं दब रही थी। मतलब यहाँ पर फोर्ड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ किया है। वहीं अगर डिज़ायर के अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो हमें काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन वहीं अगर मैं एस्पायर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास आपको प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट फिनिश देखने को मिलेगी। दूसरा बड़ा रीज़न आता है हमारा इंजन और परफॉर्मेंस का। तो मारुति ने इस गाड़ी में अपना वही पुराना 1.2 के सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.3 DDIS डीजल इंजन यूज़ किया है, जो कि चलने में भी पुरानी वाली गाड़ियों की तरह ही परफॉर्म करता है। हालांकि वेट कम करने से डिज़ायर का एवरेज जो है वो बढ़ गया है। पुराने वाली डिज़ायर के बजाय नई वाली डिज़ायर का सस्पेंशन जरूर यहाँ पर थोड़ा सा बेटर किया गया है। वहीं अब अगर हम फोर्ड एस्पायर की बात करें तो इसका इंजन सिर्फ कागजों में ही नहीं, रियल वर्ल्ड में भी डिज़ायर के इंजन से बेहतर है। स्पेशली अगर मैं बात करूं डीजल इंजन की, तो जहां मारुति का 1.3 DDIS इंजन 190 Nm टॉर्क निकालता है 2000 RPM पर, वहीं फोर्ड का 1.5 TDCI इंजन 215 Nm टॉर्क निकालता है 1750 RPM पर। मतलब मारुति में जो एस्क्रॉस या ब्रीजा आती है उनके टॉर्क से भी ज़्यादा आपको एस्पायर के अंदर मिलेगा। सस्पेंशन में भी हमें डिज़ायर से बेहतर लगी ये गाड़ी, और गाड़ी का बैलेंस भी डिज़ायर से बेहतर है। हमारा तीसरा रीजन है स्पेस, कंफर्ट और ग्राउंड क्लियरेंस का। तो इस बार वाली जो डिज़ायर के अंदर 7 mm ग्राउंड क्लियरेंस कम करके 163 mm कर दी गई है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है। वहीं अगर मैं एस्पायर के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं जो कि 11 mm ज़्यादा है डिज़ायर से, जिसका मतलब है कि आपको 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है यहाँ पर। नई वाली डिज़ायर के अंदर एक अच्छा चेंज ये है कि इसका व्हील बेस 20 mm बढ़ाकर 2450 mm कर दिया गया है, उसकी वजह से आपको जो है लेग रूम काफ़ी मिलेगा। लेकिन वही बात अगर मैं एस्पायर की करता हूँ जो कि पहले से ही आपको काफ़ी लेग रूम ऑफर करती है, और उसका मेन रीज़न है कि उसका और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ व्हील बेस जो कि है 2491 mm, मतलब आपको यहाँ पर व्हील बेस भी जो है एस्पायर के अंदर ज़्यादा मिलेगा। हमारा फोर्थ बड़ा रीज़न है सेफ्टी का। हालांकि डिज़ायर भी आपको ड्यूल एयरबैग ABS विद EBD प्रोवाइड करती है, जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है, लेकिन जहां बात आती है कंपटीशन की तो एस्पायर सिर्फ डिज़ायर से ही नहीं बल्कि इस सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट कार है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो कि आपको 6 एयरबैग का ऑफर देती है, और साथ ही साथ आपको ABS विद EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल लॉन्च असिस्ट जैसी फैसिलिटीज़ भी देती है। पांचवा रीज़न है हमारा प्राइस का। तो दोनों गाड़ियों के प्राइसेस मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं ताकि आप इन फीचर्स के साथ खुद एक बेहतर और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी का अंदाज़ा लगा सकें। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो एस्पायर ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रही है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ एक चीजें ऐसी भी है जहां पे डिजायर आपको आगे निकलती हुई नजर आएगी एस्पायर से, जैसे कि अगर हम फीचर्स से उठाएं तो इंफोटेनमेंट जो 7 inch का जो आता है वो सिर्फ डिजायर के अंदर आपको देखने को मिलेगा टच स्क्रीन के साथ, और साथ के साथ डिजायर के अंदर जो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प भी आते हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ, तो ये भी एक एडवांटेज है डिजायर को। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजायर की जो रीसेल वैल्यू है वो भी एस्पायर से ज्यादा होगी, और क्योंकि ये मारुति का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी फोर्ड से काफी बड़ा है। तो ये कुछ एक रीजन थे जिसमें मैंने बताया कि जो एस्पायर किस तरह से बेटर है डिजायर से, या लास्ट के अंदर मैंने बताया कि आपको डिजायर किस तरह बेटर है एस्पायर से। तो आपको कौन से रीजन ज्यादा वैलिड लगे आप मुझे बताइए कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर मुझे बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए। मैं हूं रोहित यादव, अब आपसे इजाजत चाहता हूं, थैंक यू सो मच। और फ्री एडवाइस के इस लोगों को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी है उसको भी दबा दीजिएगा।